नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। वे आचार्य ने कहा, प्रभो तन चंचलता मेट ने पद्मासन आप विराज। शरीर की चंचलता को छोड़कर और आप पद्मासन में विराजमान। इसलिए पद्मासन में बैठना क्यों जरूरी है? इसलिए शरीर को अनुशासित करना है। जो अध्यात्म शारीरिक अनुशासन को नहीं जगाता, प्राणिक अनुशासन को नहीं जगाता, मानसिक अनुशासन को नहीं जगाता, वह अध्यात्म सचमुच अध्यात्म नहीं होता। जो सन्यासी मुनि सन्यास की धर्म में दीक्षित होने के पश्चात केवल अध्ययन और अध्यापन में ही रह जाते हैं, केवल बौद्धिक सीमा में ही रह जाते हैं, शारीरिक मानसिक वाचिक और प्राणिक अनुशासन की प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं करते, उन्हें बहुत जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या ब्रह्मचर्य की कम समस्या है? क्या सत्य बोलना कम समस्या है? क्या अहिंसक रहना, मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति अनिष्ट का भाव न आना कम समस्या है? इन समस्याओं की महानदियों को कभी नहीं पार किया जा सकता जब तक कि ये शारीरिक वाचिक मानसिक और प्राणिक अनुशासन न जाग जाए, कभी संभव नहीं होता। बहुत कठिन बात है। आपने सुना होगा कि आर्य सुधर्मा का एक शिष्य आया, बोला, भंते मुझ पर कृपा करें और यहां से आप प्रस्थान करें राजगुरु। सुधर्मा ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या घटना हुई? बोला, क्या करूं, जहां कहीं भी जाता हूं बड़ी मजाक होती है, बड़ा मखौल होती है, लोग कहते हैं यह कठियाहारा। कल तक तो लकड़ियों का भार सिर पर ढोता था और आज मुनि बन गया, अंगुलियां उठती है, जंग होता है, मैं तो परेशान हो गया, नया नया था, अभी अनुशासित हुआ नहीं था, भीतर का अनुशासन जागा नहीं था। आर्य सुधर्मा ने उसकी बात को स्वीकार किया और बिहार की तैयारी हो गई। अभय कुमार को पता चला, अकस्मात बिहार, पहले तो यहां आर्य सुधर्मा के रहने की स्थिति थी, अब अकस्मात कैसे बिहार हुआ? आया, पूछा, भगवान ऐसा क्या हुआ जो आप तत्काल जा रहे हैं? आर्य सुधर्मा ने सारी स्थिति बतलाई। अभय ने कहा, आप कृपा करें और देखें क्या होता है, बिहार की जरूरत नहीं है, आप मुझे थोड़ा समय दें। समय मिला, समय दिया गया। दूसरे ही दिन अभय कुमार ने 3 कोटि सिक्का, उस समय का जो मुद्रा स्वर्ण मुद्रा 3 कोटि स्वर्ण मुद्रा बाजार के बीच में जाकर रख दी, स्वयं खड़ा हो गया। अब जब अभय कुमार खड़ा और 3 कोटि स्वर्ण मुद्राएं सामने पड़ी है, जो भी आता है पैर छिठुर जाते हैं, धन दिखता है चमचमाता हुआ सामने, और फिर अभय कुमार खड़ा और राज्य घोषणा हो रही है कि जो व्यक्ति अभय कुमार की शर्त को पूरा करेगा उसे 3 कोटि मुद्राएं दी जाएगी। अब जब 3 कोटि स्वर्ण मुद्रा पाने की बात आए, फिर तो पैर आगे बढ़ ही नहीं सकते, हजारों की भीड़ हो गई। भीड़ में से आवाज आई, शर्त क्या है यह तो बताएं, शर्त क्या है? जब पूरी भीड़ हो गई तो शर्त बतलाई गई, जो पूरा ब्रह्मचारी होगा, पूरा सत्यवादी होगा और पूरा अहिंसक होगा, उसे 3 कोटि स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी।
भीड़ में से स्वर गूंजा, पूरा ब्रह्मचारी होगा तो फिर कोटि मुद्राएं क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? जब ब्रह्मचारी ही बन गया फिर क्या करेगा? जब भोग को छोड़ दिया तो फिर इस धन की जरूरत ही क्या है? धन चाहिए भोग के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए, और वासना पूर्ति की शर्त ही समाप्त होती है तो फिर क्यों चाहिए? जो पूरा सत्यवादी होगा तो 3 करोड़ मुद्राओं को लेकर ही क्या करेगा? धन के साथ छलना चलेगी, प्रवंचना चलेगी, झूठ चलेगा, ये कभी नहीं हो सकता कि धन का तो ढेर लगाए और असत्य से बच जाए, छलना से बच जाए, प्रवंचना से बच जाए, ये दोनों बातें कभी संभव नहीं हो सकती। और धन का तो ढेर हो और पूरा अहिंसक बन जाए, ढेर रख नहीं पाएगा, पहले दिन ही छोड़ देना पड़ेगा, सारा विसर्जन कर देना पड़ेगा, यह तो बिल्कुल विरोधी बात है, मानने जैसी बात नहीं, कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ। अभय कुमार ने कहा, जो व्यक्ति पूरा ब्रह्मचारी बनता है, पूरा सत्य महाव्रती बनता है, पूरा अहिंसक बनता है, वह इन 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को ठुकरा देता है। क्या कटिहारा ने मुनि व्रत स्वीकार किया, वह ब्रह्मचारी नहीं बना? क्या वह सत्यवादी नहीं बना? क्या वह अहिंसक नहीं बना? लोगों ने कहा बना है, जरूर बना है। तो फिर कैसे वह कटिहारा रहा? मखौलबाजी की। हाँ, क्यों ये फिर मखौलबाजी? लोगों ने कान पकड़ लिए, सारी चर्चा समाप्त हो गई, सारी चर्चा समाप्त, लंबे समय से चलने वाली चर्चा समाप्त हो गई और सारा वातावरण बदल गया। कितना कठिन होता है भीतर का अनुशासन। जब भीतर का अनुशासन जागता है तो व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है। कैसे जागे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। पद्मासन शारीरिक अनुशासन है। पद्मासन में बैठने वाला अपने प्राण प्रवाह को बदल देता है। जो व्यक्ति पद्मासन में बैठता है उसका काम केंद्र पर होने वाला प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वगामी बन जाता है और ज्ञान केंद्र तक पहुंच जाता है। जब प्राण का प्रवाह ज्ञान केंद्र तक पहुंचता है, अपने आप ये वासनाओं का जाल टूटने लग जाता है। जयाचार्य ने लिखा, प्रभु आपकी योग मुद्रा मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी ध्यान मुद्रा मुझे बहुत अच्छी लगती है। योग मुद्रा अनेक प्रकार की होती है। जिन मुद्रा योग मुद्रा अनेक प्रकार की मुद्राएं होती है, मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। मुद्रा हमारे भीतर में चल रहा सूक्ष्म भावों का प्रवाह है, जब शरीर के माध्यम से प्रकट होता है तो वह मुद्रा बन जाता है। एक व्यक्ति अंगूठा, चारों अंगुलियां का प्रयोग करता है और तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगाया और ज्ञान की मुद्रा बन गई, ज्ञान मुद्रा बन गई। अंगूठों को, उंगलियों को कान, आंख, नाक, मुंह पर लगाया और सर्वेंद्रिय संयम की मुद्रा बन गई। जब मुद्रा ये बनती है तो आंतरिक परिवर्तन भी शुरू हो जाता है। जैसी हमारी बाहर की मुद्रा होती है, भीतरी परिवर्तन वैसा शुरू हो जाता है, या जब कभी भीतरी परिवर्तन शुरू होता है तो बाहर की मुद्रा वैसी बन जाती है। दोनों में बहुत गहरा संबंध है। हमारी चित्त की वृत्तियां जैसी भीतर में चलती है तो बाहर की बात भी वैसी ही हो जाती है।
और बाहर में हम जिस प्रकार की मुद्रा बनाते हैं भीतर में वही होने लग जाता है।